वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप दिखाने वाला हूँ कि ऑफिट कैसे लेते हैं सीएनसी मशीन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक नंबर टूल का ऑफिट लेना है, एक नंबर टूल का ऑफिट लेंगे तो एक नंबर टूल को इंडेक्स करना पड़ेगा। तो इंडेक्स कर रहा हूँ, टूल आ गया है। अब मैं उसको ऑफसेट लेने दिखाऊंगा। ऑफसेट लेने के लिए ये रिमोट का हमें जरूरत पड़ता है। ये रिमोट से कैसे ऑफसेट लेंगे वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसे यहाँ टच करूँगा, ग्रिड का ग्रिड में कैसे ऑफसेट लेते हैं वो दिखाऊंगा। तो पास लगे कर देखा इस तरह से इसे वर्क करते हैं। ये हमारा जेड है, ई एक्स है। हमें जब सीधे लेकर जाना है तो वो जेड में होते हैं, और इस तरफ लाना है तो एक्स में होते हैं। तो इस तरफ मुझे जाना है तो जेड माइनस में जाएगा, और इस तरफ लाना है तो जेड प्लस में जाएगा। तो इस तरफ मैं लेकर जा रहा हूँ तो जेड प्लस में जाएगा, तो इस तरह से माइनस में जाएगा, तो इस तरह से रोटेट होगा। तो मैं यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, अभी बिल्कुल टच करना है, सिर्फ ज़्यादा नहीं करना वरना टूट जाएगा टूल। टच कर दिए, ये हमारा जेड पे है, ये 100 का स्पीड है। अभी मैं टच कर दिया हूँ यहाँ पे पोजीशन पे, तो दिखा दो कैसे टच है। ठीक है, अब आ जाओ पैनल पे। अब मैं पैनल पे दिखाता हूँ, कि क्या होता है इसका ऑफसेट कैसे लेते हैं। जो सबसे पहले ऑफसेट में जाएंगे, ऑफसेट में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑफसेट है। यहाँ बियर ऑफसेट है, यहाँ ज्योमेट्री ऑफसेट है। यहाँ से ऊपर करेंगे तो हमारा वर्क ऑफसेट भी आ जाएगा। तो हमें ऑफसेट में जाना है, फिर ज्योमेट्री ऑफसेट में जाना है। ज्योमेट्री ऑफसेट में हमें देखना है कि हमारा टूल जो है कितने नंबर का टूल था। तो एक नंबर का टूल था, तो एक नंबर टूल हमारा ये है, और एक्स में है, ये जेड में है। हमें लेना किसका है, जेड का। तो हमें पहले जेड में जाना है। सबसे पहले यहाँ से कर्सर से अपना जेड पे लेके आ गए कर्सर। जेड पे हम क्या करेंगे, इसे जेड 0.0। उसके बाद यहाँ पे जब हमारा जेड में आ जाएगा तो सबसे पहले यहाँ मेजर पे जाना है, यहाँ पे मेजर कर देना है। ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया। अगर नहीं दिखा ये चेंज हुआ कि नहीं तो मैं दिखाता हूँ। जेड 1.0 अभी यहाँ पे 671 है, चेंज कर दूंगा इसे। अगर मेजर करूंगा चेंज हो जाएगा, 72 हो गया। तो Z 0.0 करना है, Z 0.0, 671 हो गया, समझ गए। ये हमारा Z का ऑफसेट कंप्लीट हो गया। तो जिसे ऑफसेट नहीं लेना आता है वो हमारा वीडियो देख सकते हैं, धन्यवाद। तो अभी हमने जो लिया था ऑफसेट वो जेड का, अब मैं इसे एक्स का ऑफसेट लेकर दिखाऊंगा कि एक्स का ऑफसेट कैसे लेते हैं और एक्स मेजरमेंट कैसे होता है। तो उसके लिए हमें जोग मोड पे ले जाने के बाद इसे पीस के पास टच करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे रिमोट में एक्स पे लेके जाना है। एक्स पे लाने के बाद हमें प्लस की ओर लाना है। अगर आगे है तो प्लस की ओर, इस तरफ है तो उधर ले जाना है, तो माइनस की ओर। तो अभी मैं बिल्कुल इसमें टच करूँगा ऊपर। अगर ओडी पे हमें टच कर रहे हैं तो ये एक्स का हमारा आएगा, अगर सामने फेस पे कर रहे हैं तो जेड का आएगा। तो इसलिए मैं ओडी पे टच कर रहा हूँ क्योंकि एक्स का हमें ऑफसेट लेना है, तो बिल्कुल टच करना है। तो देख सकते हो मैं टच कर दिया हूँ। अब इस तरफ दिखा दो कैमरा, मैं इसको बिल्कुल जॉग से पीछे लूँगा, ना एक्स में ना जेड में कहीं भी चेंजेस नहीं करना है, बिल्कुल सेम टू सेम पीछे लाना है। हमारा देखो टूल पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है टूल। अब मैं क्या करूँगा इसे कि वर्नियर लेना है। वर्नियर से क्या करना है, वर्नियर से चेक करना है जो पीस पे मैंने
अभी ऑफसेट लिया, उसका ओडी कितना है, उसका साइज़ क्या है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। हमारा ओडी का साइज है 71, बिल्कुल 71.14 है, देख सकते हो आप 71.14 है। तो अब इसे 71.14 क्या करेंगे, आ जाओ पैनल पे लेके मैं दिखाता हूँ। फिर से वही पोजीशन पे जाना है, ऑफसेट पे, यहाँ ऑफसेट पे गए। अभी हमारा ये कर्सर जेड पे है, हमें यहाँ एक्स पे लाना है, तो एक्स पे लेकर गए। एक्स पे ले जाने के बाद हमें क्या करना है कि एक्स जितना हमारा ये वैल्यू है 71.14, तो यहाँ पे सेम टू सेम वही लिखना है एक्स 71.14। उसके बाद सेम पोजीशन जैसे मैंने जेड पे किया था मेजर, वैसा ही एक्स में भी करना है, मेजर करना है, तो यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ, तो 71.14 लिख दिया। उसके बाद एक्स पे है, टूल नंबर एक है, तो एक पे गए हैं, एक पे हमारा यहाँ पे मेजर करना है, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हुआ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ था ऑफसेट एक्स का हमारा। तो अब क्या करेंगे, फिर से ऑफसेट पे जाएंगे, ऑफसेट पे जाने के बाद वीआर ऑफसेट में जाएंगे, पर हमें माइनस में ना चला जाए हमारा जो पार्ट वन रहा, इसलिए हमें यहाँ पे एक्स में प्लस करके बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो आते रहेंगे उसे देख। थैंक यू।